हाँ जी बिस्मिल्लाह मौजूद है लॉन्ग लाइफ ब्लॉक सत्रह गुलिस्तान जौहर PS 103 मिला गफार वाली जहरी साहब का ये एरिया है कंटोनमेंट बोर्ड फैसल। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रोड कारपेटिंग का अमल शुरू हो गया है क्योंकि इससे पहले हमने MNA फंड से यहाँ पे सेविस की लाइन डलवाई थी दो गलियों में, तो ये बीच की एक गली थी जो रह गई थी, इसमें भी हम रोड कारपेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगली दो गलियों में भी रोड कारपेटिंग करेंगे। सर्विस भी कम्प्लीट हो गई है, रोड कारपेट भी आज इंशाल्लाह हो जाएगा। इसके बाद हमारी एक गली रह गई है लॉन्ग लाइफ में, वहाँ पर हमने सेविस की लाइन डलवाई थी, आने वाले दिनों में वहाँ भी रोड कारपेटिंग कर देंगे। तो PTI जो है आपके साथ मौजूद है हर प्लेटफॉर्म पे। हम इस मुश्किल दौर में भी आपके लिए तरक्याती काम करा रहे हैं, जहाँ पे वज़ीर आज़म कह रहा है कि आटे खरीदने के पैसे नहीं है, मुल्क दिवालिया हो रहा है, और जब हमारी गवर्नमेंट थी हम यहाँ पे तरक्याती और डेवलपमेंट के काम करवा रहे थे, जब हमारी गवर्नमेंट गई है तो उनके पास आटा खरीदने के पैसे नहीं है और जो ना मुल्क दिवाली की तरफ जा रहे हैं। तो आप खुद देखें कि आपका खैरख्वाह कौन है और आपके मुखालिफिन जो आपसे वोट मांगने फिर दोबारा आएंगे इलेक्शन में PDM की शक्ल में, तो आप उनकी शक्लें पहचान लीजिए अच्छे तरीके से कि उन्होंने आपको हमेशा बर्बाद ही किया है। 75 साल में इस मुल्क को बर्बाद करके यहाँ तक ले आए, हमने इसको तरक्की की तरफ राह पे गामजन किया था इमरान खान की क्यादत में, आज फिर इन्होंने वहीं जाके खड़ा कर दिया। तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि इनकी शक्लों को पहचाने, ये चोर करप्ट टोला अपने घरों से निकला करें वोट डालने के लिए, और आपकी सिर्फ एक ही जमात है वो है PTI। शुक्रिया। अरे वो ला रहे हैं ना, वो ला रहे हैं, ये छोड़ दो, छोड़ दे बेटा छोड़ दे, जाओ भाई रहने दो, वो ला रहे हैं पानी कैसे।